नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। युवती के साथ दो साल तक रेप, देखेंगे विस्तार से, बढ़ते अगली खबर की तरफ। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके किया दुष्कर्म, देखेंगे विस्तार से, बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोलकाता में 60 लाख की नकदी जब्त, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चूरू की युवती के साथ दो साल तक रेप, जी हां, दिल्ली के होटल से लेकर किराए में के मकान में करता रहा दुष्कर्म। राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली युवती ने हरियाणा के भिवानी के रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप के आरोप लगाए हैं। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2021 में युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसे रेप किया। बेहोशी के हालत का फायदा उठाते हुए इस दौरान युवक ने अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर धमकी देकर रेप करता रहा। लव सेक्स और धोखा, जी हाँ, युवती ने इस मामले को लेकर अब पुलिस को दी शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि वो राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव की रहने वाली है। पढ़ाई के लिए के दौरान करीब एक साल पहले भिवानी के रहने वाले राहुल से मुलाकात हुई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। शारीरिक संबंध के साथ बनाया वीडियो क्लिप, जी हाँ, युवती ने बताया कि दोस्ती के बाद साल 2021 दिसंबर महीने में राहुल ने उसे दिल्ली के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने एक होटल में ले गया। पहले उसने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, उसने मुझे नशीली दवाई मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो राहुल ने बताया कि मैंने तुम्हारी साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली है, जी हाँ। इसके बाद राहुल ने इस वीडियो के बहाने बार बार धमकी देता और रेप करता रहा। साथ ही कहा कि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो इंटरनेट पर वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद वो उसे हिसार ले आया, रात भर के लिए बनाया पत्नी, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी। उसके बाद हिसार में दोनों पति पत्नी बताकर किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन लड़के ने बाद में शादी से इनकार कर दिया। राहुल युवती को झूठी मोहब्बत की कहानियां सुनाता था, जी हाँ। एक दिन उसने रात को उसकी मांग भी भर दी और कहा आज से वो उसकी पत्नी है। पत्नी बनाने की झूठी तसल्ली देकर उसके शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो 24 दिसंबर 2022 को राहुल ने इंस्टाग्राम पर कॉल कर कहा कि वो परिवार के दबाव में है और उसे शादी नहीं कर सकता। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके किया दुष्कर्म, जी हाँ, इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला थाने में दी शिकायत में शहर निवासी किशोरी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर साहिल नाम के युवक के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। आरोपी युवक ने उसे एक दिन शहर के ही कैफे में कॉफी के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने 24 नवंबर को लेकर 16 दिसंबर तक कई बार दुष्कर्म किया। वो गर्भवती हुई तो उसकी जानकारी परिजनों को लगी और उसके बाद किशोरी ने अपने साथ ही पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताया। बाद में परिजन नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महिला थाना प्रभारी डॉक्टर ननी देवी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक राहुल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोलकाता में 60 लाख की नकदी जब्त, जी हां, कोलकाता में करीब 60 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी रखने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हवाला लेन देन के लिए बड़ी रकम रखने होती है होने के बारे में मिली एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग के उपद्रवरोधी अनुभव ने सोमवार को शाम को बड़ा बाजार इलाके में छापेमारी की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 लाख रुपए जब्त किए। जी हाँ, उसे पूछताछ करने के बाद 8 अन्य लोगों को बड़ा बाजार इलाके के अलग अलग स्थानों में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी 9 लोगों के पास से 59,76,200 रुपए नकद जब्त किए। उन्होंने कहा कि ये लोग धन का स्रोत नहीं बता सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो।
MNSNews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।